वो काम हमने बहुत सहज तरीके से कर दिया है, जिसका प्रमाण ये है कि उसके ऊपर मशीन रात में चला करके हमने ऑगर को वापस खींच लिया है। उसके बाद पाइप के मुंह पर थोड़ी सी अड़चन थी, पिचकन थी, उस पिचकन को निकालने के लिए हमारे पास एक ही साधन है कि उस एक डेढ़ मीटर के हिस्से को हम काट कर बाहर करें। तो जैसे केला छीलते हैं वैसी स्ट्रिप्स में पहले गोल काट करके फिर लंबा काट करके छोटी छोटी स्ट्रिप्स पहले नीचे से फिर ऊपर से काट करके हम बाहर निकालने का काम इस समय कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है इसलिए उसमें समय लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले एक डेढ़ घंटे के अंदर वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो काम कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो नॉर्मल हमारा ड्रिलिंग का काम है वो हम चालू करेंगे। कब तक सर शुरू कर सकते हैं, जैसे कितने घंटे? उम्मीद करता हूं कि 11:30 बजे तक हमारी ड्रिलिंग का नॉर्मल काम स्टार्ट होगा। सर अभी अभी डीआरडीओ की तरफ से काम का कितना रास्ता बचा होगा? सर मैपिंग वाला बता दीजिए, डीआरडीओ से अपनी मदद ली थी, कितना वक्त बचा होगा? नहीं, मैंने कहा कि डीआरडीओ ने नहीं, पार्सन्स करके एक कंपनी है, उन्होंने अपनी जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जिस स्टडी को कहते हैं उससे स्टडी करके हमें जो रिजल्ट दिए हैं उससे हमें ये एक अश्योरेंस मिली है कि अगले 5 मीटर तक कोई भी मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन हमारे रास्ते में नहीं है। सर यानी कि सर उसके भी बिल्कुल उम्मीद है डिस्टेंस और कवर करना है। सर 5 डिस्टेंस तो देखिए अब 45 से थोड़ा सा आगे कल हम पहुंच चुके थे, 48 तक पहुंच चुके थे। अब उसमें से अगर हमने एक डेढ़ मीटर या 2 मीटर काट दिया तो फिर हम वापस 46 आ गए। सर कल जो डिटेल बताई गई थी वो ये बताई गई थी 45 के बाद 1.2 प्लस 1.8 अंदर जा चुके हैं, ड्रिलिंग हो चुकी है या पाइप अंदर जा चुके हैं। मेरी गणित और आपकी गणित मिलती है, 1.8 और 1.2 को जोड़ करके 3 आता है और मैंने 45 और 3 48 48 ही कहा। प्लीज जी, तो 48 के बाद क्योंकि हम काट करके थोड़ा छोटा कर चुके हैं पाइप को 46, पहले के ही अनुमान को अगर हम कायम रखें कि हमें 60 मीटर तक जाना है तो अभी 14 जाना है। 14 जाने के लिए 6-6 मीटर के 3 हिस्से हमें लगाने ही होंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है उससे पहले भी हमको सफलता मिल जाए। उम्मीद है शाम तक अगर सब ठीक रहा तो हम लोग 5-5 मीटर की जो बात की जा रही है, 5 मीटर अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी ये पता चलेगा इस, क्या उसके बाद भी जब 5 मीटर आगे जाने के बाद भी 5 मीटर हम स्कैनिंग कर पाएंगे? जी नहीं, उस समय तो हमारी ऑगर मशीन उसके अंदर होगी ना। हाँ। तो अगर मुझे ऑगर निकाल करके फिर से स्टडी करना है तो फिर सबसे सारा को खोलना पड़ेगा ना, वो समय तो फिर मैं लूज करूँगा। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि अगर 5 मीटर तक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और उसके बाद मेरे को सॉफ्ट मटेरियल ही मिलेगा, ये उम्मीद करता हूँ। लेट अस होप। ठीक है सर, ऑगर मशीन के साथ क्या इशू हो गया? मशीन के साथ कोई इशू नहीं हुआ, उसका जो प्लेटफॉर्म था वो थोड़ा सा वीकेंड हो गया था जिससे मशीन को चलाने में कहीं दिक्कत हो सकती थी, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग किया गया। अच्छा, उसमें कितना वक्त लगा सर? सारे रात में वही काम करते रहे। अच्छा, एंड देन ड्रिलिंग विल स्टार्ट अगेन एट 11।